अगर आप मारुति सुजुकी में जॉब करना चाहते हैं सेल्समैन के तौर पर या फिर सुपरवाइजर के तौर पर, तो बस इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आज हमारे पास रिक्वायरमेंट जो आया हुआ है वो मारुति सुजुकी में आया हुआ है, जहां पे आपको सेल्समैन का और सुपरवाइजर का पोस्ट आपको मिल रहा है। पूरे वीडियो में लास्ट तक बन रही है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपका मारुति सुजुकी में ज्वाइनिंग होगा और कैसे आपका इंटरव्यू होगा, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो ही वैकेंसी भरा वीडियो आए उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आज हमारे पास रिक्वायरमेंट जो आया है वो मारुति सुजुकी की तरफ से आया हुआ है, जहाँ पे आपको सेल्समैन का और सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट आया है। ठीक है, सुपरवाइजर जो चाहिए वहाँ पे ज़्यादा नहीं, 10 से 15 सुपरवाइजर का जरूरत है, और सेल्समैन का वहाँ पे कम से कम तो 40 से 45 लोगों का जरूरत है। इसमें मेल और फीमेल दोनों क्लाइंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप इसमें जॉब ले सकते हैं, फीमेल क्लाइंट है फिर भी आप इसमें जॉब ले सकते हैं। सेल्समैन का काम क्या होता है, जो भी लोग वहाँ पे गाड़ी वगैरह देखने आते हैं मारुति सुजुकी में, उनको प्लान वगैरह दिखाना होता है, गाड़ी वगैरह दिखाना होता है या फिर बिलिंग करवाना होता है, सारा काम जो होता है वो सेल्समैन का होता है। सुपरवाइजर का काम क्या होता है, सुपरवाइजर जो होते हैं उनके अंदर 5, 6 या 10 जो भी हैं सेल्समैन उनके अंदर काम करते हैं, किसी भी तरह को प्रॉब्लम होता है तो वो सुपरवाइजर से ही बात करते हैं। ये रिक्वायरमेंट आया हुआ है हमारे पास बिहार से आया हुआ है। ठीक है, बिहार के पटना जिला में कहीं पे मारुति सुजुकी है, वहाँ पे आपको इंटरव्यू में बता दिया जाएगा कहाँ पे आपका लोकेशन है, लेकिन ये बिहार के पटना जिला से आया हुआ है। इसमें मेल और फीमेल दोनों क्लाइंट अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपका इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन अगर आप पास हैं, एक्सपीरियंस है या नहीं उसे कोई मैटर नहीं है, एक्सपीरियंस है तो और भी अच्छा है, और अच्छा सैलरी आपको वहाँ पर मिलेगा। और अगर फ्रेशर हैं फिर भी आपका वहाँ पर ज्वाइनिंग आराम से हो जाएगा, किसी भी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ग्रेजुएशन आपका पास होना चाहिए तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो मिल रहा है वो आपको जो सेल्समैन का सैलरी है वो 15,500 रुपये आपका सेल्समैन का सैलरी मिल रहा है। सैलरी मत देखिए, सैलरी तो थोड़ा सा कम भी है स्टार्टिंग में, लेकिन आपको मारुति सुजुकी में आपको जॉब मिल रहा है वही बहुत बड़ी बात है। बिहार में ऐसे भी जॉब ज़्यादा नहीं मिलता है, जॉब मिलता भी है तो बहुत कम सैलरी का जॉब मिलता है, सैलरी मिलता है ऐसा नहीं, लेकिन आप पुराने होंगे ना काम करते करते, साल 2 साल 3 साल बीत जाएंगे तब जाके आपका सैलरी थोड़ा अच्छा बनता है, और आपको पास एक्सपीरियंस भी हो जाएगा काम करने का, सेल्समैन का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, तो आप कुछ नहीं करिए, बस जाइए सेल्समैन में आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। और अगर आप सुपरवाइजर बनना चाहते हैं तो आपको इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, कैसे आप इंटरव्यू देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको सुपरवाइजर में ज्वाइनिंग होगा या नहीं होगा, दोनों के लिए सेम कंडीशन है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, डायरेक्ट आप कॉल करके ही बात कर सकते हैं, और हमारी कंपनी के वेबसाइट पे भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले जो आप वीडियो देख रहे हैं उसको आपको यहाँ से लाइक कर देना है और कंपनी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हमारी कंपनी में किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जॉब प्रोवाइड किया जाता है, तो इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं। यहाँ पे आपको मोड़ वाले ऑप्शन पे आ जाना है, और ऊपर में आपको सबसे ऊपर में वेबसाइट का लिंक दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप हमारी कंपनी के वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे ही आप हमारी कंपनी के वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ साइड में आपको जो भी हमारी कंपनी में वैकेंसी वगैरह आते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, अपने रिगार्डिंग आप यहाँ पे कोई भी वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी जो हमारे पास वैकेंसी चल रहा है वो मारुति सुजुकी में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप किस जॉब के लिए, यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब मान के चलिए कि आप किसी और जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो ही वैकेंसी आपको आएगा यहाँ लाइन बाई लाइन आपको सारा डिटेल आपको यहाँ पर दिखेगा। अभी इसके पहले मॉल में यहाँ पर सेल्समैन का पोस्ट था, तो यहाँ पर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई नाउ पर जाके, और यहाँ पे आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं मारुति सुजुकी है, यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आपको ऊपर में सबसे पहले आपका नाम टाइप करना है। ठीक है, ऊपर में अपना नाम टाइप कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर नाम टाइप कर लेता हूँ, जो भी आपका पूरा नाम है यहाँ पर पूरा नाम टाइप कर लीजिएगा, जो भी आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है वो एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल लीजिएगा, तभी आपको हमारी कंपनी की तरफ से कॉल बैक जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप 10th पास है, 12th पास है या ग्रेजुएशन है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जॉब रोल, यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर ये जॉब रोल क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि आप मान के चलिए कि सेल्समैन में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेल्समैन लिख लेंगे। ठीक है, अब मान के चलिए कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर में काम करना चाहते हो तो यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर लिख लेंगे, या फिर हेल्पर में काम करना चाहते हो तो यहाँ पे हेल्पर लिख लेंगे। अगर मान के चलिए किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं किसी भी पोस्ट पर, तो वहाँ पे आपको पोस्ट का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है, बस यही काम आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस पे आना है और पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है,
पूरा एड्रेस फिल करने के बाद आपको इस फॉर्म को सबमिट करना है। पहले आप इस फॉर्म को पूरा चेक कर लीजिए कि कहीं पे कोई छूटा हुआ नहीं है, उसके बाद आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको हमारी कंपनी की तरफ से कॉल बैक जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि आपसे पहले भी बहुत सारे लोग अप्लाई किए हुए हैं, तो आपको भी कॉल जाएगा और आपका इंटरव्यू कराया जाएगा।